वैरायटी यार देखते ही खत्म नहीं हो रही है। ये देसी घी है और ये पूरे में अच्छे से रला हुआ है भाई। पीस चेक कर लो, पीसेस की कोई कमी नहीं है। पनीर लाहौरी बना रखा है यहाँ पे। ओए होए होए, व्हाइट सॉस पास्ता जो कि देखने में बहुत सुंदर। चिकन बिरयानी की जो फ्रेग्रेंस आ रही ना, ओए होए होए। बस पिज्जा है, पनीर टिक्का है, क्रिस्पी कॉर्न है, चिकन है देखने में फुल फ्रेश। फ्रूट जेली जो कि छोटे होते बहुत खाई, ब्रोकली के पीसेस और टोफू। ओ हो भाई साहब, अपने मिनी मिनी गुलाब जामुन खाते ही आपको लग जाएगा बहुत बढ़िया डिश। तो भाई साहब, लुधियाना जलंधर अमृतसर के बुफे तो आपको बहुत दिखाए थे, आज हम आए आपके प्यारे शहर मोहाली में स्पेशल रिक्वेस्ट पे और पहुंचे हैं बुफे हट में। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आ जाओ। तो आ चुके हैं हमारे बुफे हट के अंदर और अंदर आते ही एम्बियंस तो बहुत प्यारा है। सबसे पहले आ गया अपना सैलेड का सेक्शन, जहाँ पे वैरायटी यार देखते ही खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारे तरीके के सैलेड्स हैं यहाँ पे। हम तो चलो आपको बेसिक दिखाते हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल सैलेड अपने सिरके वाले प्याज हो गए। यहाँ पे आ गया जी अपना बूंदी वाला रायता और गार्निशिंग तो भाई इसके क्या ही कहने। ये अपना जी वेजिटेबल रायता यहाँ पे आ चुका है। सैलेड्स में यहाँ पे हमको मिल जाता है जी अपना कोल्ड पास्ता। पास्ता देखने में बढ़िया लग रहा है और गार्निशिंग बढ़िया कर रखी है। काफी सारी आइटम्स पड़ी है सिर्फ सैलेड में, अभी तो स्टार्ट करा था। यहाँ पे आ गया जी अपने फ्रेश स्प्राउट, साथ में आ गया जी अपना चिकपी सैलेड। डेकोरेशन और हर चीज की बहुत बढ़िया कर रखी है और आइटम्स तो देखते ही खत्म नहीं हो रही। ये आ गया जी अपना कॉर्न सैलेड, साथ में आ गया जी अपना पाइनएप्पल सैलेड। पूरे मसाले इस पे लगा रखे हैं, इसको खाने में तो फुल मजा आने वाला है भाई। पंजाब में है तो यहाँ पे अचारों की कमी तो होने नहीं वाली। यहाँ पे 8 तरीके के अचार यहाँ पे मिल रहे हैं, तो फ्लेवर के अकॉर्डिंगली जो भी आप खाना चाहते हो आपके फुल प्रेफरेंस में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो आ जाओ सबसे पहला पिटारा खोलते हैं अब। तो भाई पिटारा सबसे पहला खोल चुका है, इसके अंदर आ गया अपने स्टीम राइस। क्वालिटी चेक कर लो भाई अपने राइस की, बिल्कुल ही खिले खिले चावल हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं। साथ में है जी वेज बिरयानी, तो हाँ जी ये है वेज बिरयानी। इसके अंदर पीस बीन्स और ऊपर से पनीर डाल के इसकी जो गार्निशिंग कर रखी है ना बहुत। ये आ गई जी अपनी स्पेशल दाल मखनी बुफे हट की। ओ भाई पास लाओ, भाई पास लाओ, ये ऊपर चेक कर लो। ये देसी घी है और ये पूरे में अच्छे से रला हुआ, ऊपर से इन्होंने और गार्निशिंग ऐड कर रखी है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको तो डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। तो बुफे की रानी एक दाल मखनी तो होगी थी, दूसरी बुफे की रानी आई है जो कि इनकी दाल तड़का। ओ भाई कलर चेक करो इसका, बढ़िया मसाले मसूले डाल के ऊपर रोगन देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से। इसको भी जरूर ट्राई करने वाला हूँ। और आइटम्स खत्म नहीं हो रही यहाँ पे, अभी बहुत लंबी लाइन है। तो ये आ गया जी अपना मेन सेक्शन, इसमें है अपना पनीर लाहौरी। ओ भाई भाई चेक कर लो पनीर के चंक से एक बार, पनीर लाहौरी बना रखा है यहाँ पे। ओए होए होए, और साथ में है जी अपना चीज टोमेटो। तो जिनको चीज टोमेटो पसंद है और पनीर पसंद है ना, वैसे तो भाई मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ है, पर अपना अपना फ्लेवर है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। दोनों बहुत बढ़िया दे रखे हैं। थोड़ी बहुत गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, मार्च खत्म होने वाला है और भाई जो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग है एकदम टॉप लेवल, और खाने में तभी मज़ा आने वाला और ज़्यादा। अपनी आइटम आ चुकी है जी चाट पत्ता कोफ्ता करी, जो मैंने किसी बुफे में नहीं देखी पर्सनली। मैं बहुत बुफे में जा चुका हूँ, हाई एंड से लेकर लोअर एंड तक, और यहाँ पे मेरे को देखने को मिली और कोफ्ते देख के पता लग रहा है कि कोफ्ते की क्वालिटी है बहुत बढ़िया। बुफे के हैं चार सेक्शन और अभी तो हम पहुँचे सिर्फ तीसरे सेक्शन। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे अपना सूप। सूप चेक कर लो, ये है जी ब्रोकली एंड टोफू सूप। तो ये आपको हेल्दी सूप मिलने वाला है यहाँ पे, और अभी लंच का बुफे है ये, बढ़िया क्रीमी बना रखा है ब्रोकली के पीसेज और टोफू। ओ हो भाई साहब, ये तो मैं जरूर ट्राई करने वाला हूँ। और अगली आइटम की एक बार शक्ल चेक करो, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये है अपने वेज हाका नूडल्स जो कि हमें यहाँ पे मिले हैं, गार्निशिंग बढ़िया कर रखी है और नूडल की क्वालिटी एक बार आपको पास से दिखाएं तो आपको पता लगेगा कि टॉप नॉच है। साथ में आ गया जी बेल पेपर्स और ये है बेसिकली व्हाइट सॉस पास्ता जो कि देखने में बहुत सुंदर। तो इस बुफे में बेसिकली मंचूरियन नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिलने वाला वेज बॉल इन थाई सॉस, जो कि आपको थोड़ा सा थाई फ्लेवर देगा साथ में अगर आप खाना चाहते हो तो, जो कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। तो अभी तो सिर्फ वेज का सेक्शन चल रहा है और अपनी आई है सोया चाम। चिकन का पूरा सेक्शन अभी बाकी है, तो इसको चेक कर लो। ये आ गई जी अपनी कढ़ाई सोया चाम, देखने में खूबसूरत और खाने में भी पक्का होने वाली है ये। अगली आइटम आ गई जी अपनी जल फ्रीजी, चेक कर लो, बेसिकली होती है मिक्स वेजिटेबल और देखने में लग रही है बहुत खूबसूरत। तो आ गया जी अपना फोर्थ और लास्ट सेक्शन जो कि है नॉन वेज का। स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से चिकन मिंट बिरयानी से। चिकन बिरयानी की जो फ्रेग्रेंस आ रही ना, ओए होए होए, और राइस की क्वालिटी तो आपको दिखाई थी, सेम वही क्वालिटी वाले राइस हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। नेक्स्ट आइटम आ गया जी अपनी मटन, ये है मटन रोगन जोश और मटन के पीसेस चेक कर लो। तो मटन रोगन जोश को देख के तो नॉन वेज खाने वालों को आ जाता है फुल जोश भाई। पीस चेक कर लो, पीसेस की कोई कमी नहीं है, जौन सा पीस बोलोगे आपको सारे मिलने वाले हैं, और ग्रेवी भी एकदम लाजवाब। नेक्स्ट आइटम आ गई अपने चिकन लवर्स के लिए, ये है चिकन दो प्याजा। चिकन है देखने में फुल फ्रेश बटर चिकन, और इसके ऊपर बटर तो चेक कर ही सकते हो, बुफे की रानी पे था देसी घी और इसके ऊपर है जी बटर। ओए होए होए, क्या सुंदर लग रहा है और गार्निशिंग तो क्या बात कमाल कर रखी है। तो आ चुका अपना स्वीट डिश का सेक्शन, तो जल्दी जल्दी पिटारे खोलते हैं भाई साहब। ये आ गया जी अपना मूंग दाल का हलवा। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, ये देख लो भाई मूंग दाल का हलवा चेक करो, देखने में तो फुल माउथ टेम्पटिंग है और डिलीशियस लग रहा है, बहुत मजा आने वाला है इसको खा के। साथ में आ गया जी अपने मिनी मिनी गुलाब जामुन जो कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है और मैं उन कुछ लोगों में बिलोंग करता हूँ। ये जी अपना आइसक्रीम्स का और फ्रूट जेली का। आइसक्रीम्स में आपको चार फ्लेवर यहाँ देखने में मिल रहे हैं, बटरस्कॉच, चॉकलेट,
स्ट्रॉबेरी और वनीला जो आपको पसंद हो अपनी प्रेफरेंस से आप खा सकते हो। मैं तो चारों टेस्ट करने वाला हूँ बाद में। साथ में आ गई अपनी फ्रूट जेली जो कि छोटे होते बहुत खाइए, आप करेंगे बहुत टाइम के बाद ट्राई। भाई आखिरी जो अपनी पसंदीदा आइटम है जो कहीं नहीं मिलती वो तो मिस्सी हो गई थी, ये रहा अपना राजस्थानी स्टाइल मिर्चा। ओए होए क्या ही खूबसूरत लग रहा है, ये तो मैं पक्का लेने वाला हूँ प्लेट में। साथ में जी अपने पास ब्रेड्स में कौन कौन सी वैरायटी होती है? गार्लिक नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। हाँ जी, तो मतलब काफी वैरायटी आपके पास। तो सारी वैरायटी अपने पास आ चुकी है, मैंने स्पेशली गार्लिक नान दो मंगवाए क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। तो जल्दी टेस्ट करते हैं और इसको बताते हैं कैसा टेस्ट है आपको। तो भाई मोहाली के पहले बुफे हट का अपना सारा स्प्रेड टेबल पे आ चुका है और चेक कर लो क्या सुंदर लग रहा है, सारी आइटम्स ले आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ब्रेड्स में बता दें, इनके पास वैरायटी है बहुत सारी। मैंने स्पेशली मंगाए हैं मिस्सी रोटी और गार्लिक नान। तो आपको मेन कोर्स में तो दिखा दिया क्या क्या है, अब आपको बताते हैं जो हम वहाँ पे थे तो हमारे पास स्टार्टर्स में क्या क्या आया। अपने पास पिज़्ज़ा है, पनीर टिक्का है, क्रिस्पी कॉर्न है, कटलेट है और बहुत सारी आइटम्स दे रखी हैं। अपनी चाँप भी यहाँ पे आ चुकी है। तो स्टार्टर्स में सबसे पहले ट्राई करते हैं अपना पनीर टिक्का। तो भाई पीस तो बड़ा बड़ा दे रखा है, थोड़ा ठंडा हो गया खाना भरने में, पर चलो देते हैं इसको एक लवली सी बाइट। अंदर से है पूरा सॉफ्ट और बाहर से पूरा क्रिस्पी, बहुत बढ़िया फ्लेवर है यार इसका। साथ में ट्राई करते हैं जी इनका मिनी मिनी पिज़्ज़ा, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चीज़ से तो भरा हुआ है ये। ओहो भाई बहुत बढ़िया डिश है। और साथ में इस बुफे में आपको मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने तो भाई ली अपनी फेवरेट आइस टी, मेरे को तो बहुत पसंद है। ओए होए होए, तो आ गए जी मेन कोर्स पे। मैं ले आया हूँ अपना सारा पसंदीदा सामान, आपको सारा दिखाया था। और हाँ, स्नैक्स में हमें गोलगप्पे भी मिले थे तो वो तो हम बाद में ट्राई करेंगे, पहले करते हैं भाई मेन खाना ट्राई। तो ये आ गई जी अपनी मिस्सी की रोटी, अब इसके साथ हम ट्राई करेंगे सबसे पहले बुफे की रानी जो होती है दाल। कंसिस्टेंसी तो इसकी चेक कर लो, फुल क्रीमी हो रखी है ये। और मिस्सी रोटी तो मेरी है ही फेवरेट, तो इसके साथ इसको करते हैं ट्राई। वो भाई ये सारा खाना हम खा रहे हैं बुफे हट मोहाली में, लोकेशन आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी तो चेक जरूर कर लेना। तो आपको मेन्यू और प्राइस बता देते हैं। तो ये है जी इनका मेन्यू, लंच का रेट है जी इनका वेज में 549, नॉन वेज का 649, और अगर डिनर में आओगे तो रेट्स में 200 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। और बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आपको मिलेगा 299 रुपीज़ का बच्चों का लंच। तो ये आ गया जी अपना चीज़ टोमेटो, अब इसको करते हैं जी ट्राई। ओए होए जो ग्रेवी में रिचनेस है ना यार इसमें, ओहो। और पनीर के चंक्स में जितनी भी आइटम थी किसी में को कमी नहीं दिखी। आपको बटर चिकन भी दिखाया, मटन रोगन जोश भी दिखाया, किसी में कोई कमी नहीं है, फुल भरपूर है। उसके ऊपर रखेंगे अपना मसाले वाला प्याज ताकि मज़ा आ जाए खाने में। ओहो, तो इसका टेस्ट तो यार फुल टैंगी साइड पे है। और एम्बियंस आप चेक करते रहो, फुल एयर कंडीशन वाला। ओए होए भाई बहुत प्यारी एम्बियंस है, साथ में पीछे चल रहे हल्के हल्के गाने, तो खाने में तो फुल मज़ा आता है। सारी जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो अब आ गया जी अपना पनीर दो प्याज़ा, और भाई सुंदर तो ये लग ही रहा है तो इसको करते हैं अब ट्राई। जैसे चीज़ तो बड़ा थोड़ा टैंगी साइड पे था ना, ये भाई थोड़ा करारा साइड पे। तो जिसको करारा खाने को पसंद है वो तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो ये अपनी सोया चाप आ गई, देखने में तो फुल सॉफ्ट लग रही है, तो इसको देते हैं बाइट। बहुत टेस्टी है, आप बता नहीं सकते, सोया चाप में पनीर से कम नहीं है किसी भी एंगल से। खाना बिल्कुल ऐसे लग रहा है भाई जैसे बड़ी बड़ी शादियों में होता है, मतलब 5 स्टार से भी ऊपर का खाना मैं कहूँगा, ठीक है। और ये एक जो स्पेशल चीज़ यहाँ मिलती है वो है जी इनका राजस्थानी मिर्चा। ओए होए भाई, जिन लोगों को खाने का शौक है ना उनको ही पता होगा कितना टेस्टी होता है। क्या है अब, हाँ तो अब टेस्ट करते हैं इनकी वेज बिरयानी। वेज बिरयानी तो है भाई बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं भाई स्वीट सेक्शन पे, सारा सेक्शन में ले आया हूँ सिर्फ आइसक्रीम्स को छोड़ के, बाद में खाऊंगा। जेली तो भाई आपको दिखाई वहाँ पे देखने में कितनी सुंदर लग रही थी, तो इसको भी देते एक प्यारी सी बाइट। ओए होए भाई बहुत सॉफ्ट है ये, तो इसको भी देते एक प्यारी सी बाइट। मिक्स फ्रूट जेली यार बचपन की याद आ गई। ब्राउनी देखने में बढ़िया है, ऊपर सिर्फ डाल रखा है चॉकलेट वाला। बिल्कुल फ्रेश है, खाते ही आपको तो लग जाएगा बहुत बढ़िया डिश है। भाई मेरे को तो आ गया बुफे हट में फुल मज़ा मोहाली में, और अपनी आइस टी के साथ इस बुफे को करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए रब रखा, चाओ।